हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि आपका 10th क्लास है और हम लोग आपका देख रहे हैं इस 10th क्लास के अंतर्गत कि जो हमारा खंड सेकंड है भारत और समकालीन विश्व सेकंड, इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि आपका किताब जो थी उसका प्रिंटिंग प्रेस का दौर जब आपका शुरू हुआ, कैसे उसने सामाजिक राजनीतिक या कैसे एक नया वर्ग उसने सामने निकाला, उन सभी को हम लोग इस अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे थे और हम उसकी बात कर रहे थे इन सभी पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चे ने अपने घर जाकर कल का लेक्चर रिविजन कर लिया होगा। आज हम लोग उससे आगे प्रारंभ करेंगे। तो कल के लेक्चर के अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी या अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? और इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देखेंगे और बहुत अच्छे से हम इन सबको आपका जानेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जो कल हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक कहाँ तक इसमें कुछ आपका देख लिया था, थोड़ा इसको समझने का विचार करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे धार्मिक सुधार और सार्वजनिक जो बहस था, जो आपकी डिबेट थी, जो संवाद था, उसकी यूनिट 7 पर हम लोग आपका अपनी बात कर रहे थे। क्या थी यूनिट और किस तरह से हम इन सारी चीजों को आपका देख रहे थे और हम इनकी आपका बात कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो इतनी सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है और इन सारी चीजों को आपका देखना है और इन सारी चीजों को हमको आपका एक एक करके आपका बात करना है, ताकि हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका समझ सकें और बहुत अच्छे से हम इनको देख सकें। अब हमने देखा कि कैसे धार्मिक रूप में ये सब चीजें आपकी आ रही थी, कैसे आपकी भारत में पत्र पत्रिकाएं जो थी वो आपका छपने लग गई थी, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दे रही थी, कहीं ब्राह्मणवाद, कहीं आपका पुरोहितवाद और बहुत सारे ऐसे ना जाने धार्मिक रूप में रूढ़िवाद, इस तरह की चीजें आपकी प्रकाशित हो रही थी। और जो कुछ ऐसी पुरानी आपकी कुरुति थी, उन पर आपकी बहस विवाद, बात संवाद इत्यादि की ये सारी चीजें आपकी क्या थी, ये कंटिन्यूस फॉर्म में आपका हो रही थी। तो उनको सबको आपको ध्यान रखना है, उन सबको आपको याद रखना है। इन सब चीजों के साथ ये चीजें आपकी बहुत आसान रूप से आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए, भारत में उलेमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा ना दें या मुस्लिम कानून ना बदल डालें। इनमें से निपटाने के लिए उन्हें सस्ते लिथोग्राफ प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धार्मिक ग्रंथों के पारसी या उर्दू अनुवाद छपे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकले। अब देखिए, कुछ लोगों ने जो था उसमें धार्मिक जो चेंज था उसको दिक्कत ना हो, इन सब बदलावों को आपका बढ़ावा मिला, इन सब चीजों को आपका चीजें दिखाई दी और इन चीजों से सब हुआ। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनारी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए सलीका और इस्लामी सिद्धांतों को के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी करे। कब किया, ध्यान देना है, देवबंद में। और क्या किया है, हजारों जो आपके फतवे हैं उनको हमने जारी किया। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी सांप्रदायिक और सेमिनार पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी, हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों को असर को काटना चाहता था कि दूसरों का जो असर है वो आपका कट जाए और हमारा जो इम्पैक्ट है वो आपका बना रहे, या हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा वर्चस्व है वो चला रहे। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में
धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास जी 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रांतरण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। देखिए रामचरितमानस का जो पहला संस्करण मान लीजिए या पहला जो आपकी प्रिंटिंग हुई वो कब हुई, आप उसको भी आपका देख सकते हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं। देखेंगे तो जो आपका तुलसीदास ने लिखा था 16वीं सदी में रामचरितमानस, वो 1810 में इसका संस्करण हुआ। अब देखिए 19वीं सदी के मध्य तक रस्ते लिथियोग्राफ संस्करण से भारत का बजट पलट गया। अब कह रहे कि जिस तरह चीजें हो रही थी, जो भारत का बजट था वो बिल्कुल पलट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने अनेक भारतीय भाषाओं में अनीतिगत धार्मिक किताबें छापी। मुद्रित और लेन देन के आसान के बजाय से कई कारण अवस्था में की गई और बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके रूप में आपका बदलती हमको दिखाई दी। किसी भी समय पढ़ सकते थे उन्हें, अनपढ़ लोगों की भी बड़ी भीड़ में बोल बोल कर पढ़ा जा सकता था। अब देखिए जो लोग अनपढ़ हैं और जो आपके पढ़े लिखे नहीं हैं, उन पढ़े लिखे लोगों के बीच अगर आपको सुनाना है तो आप उनको जोर जोर से पढ़कर लोगों को सुना सकते हैं और उसके विषय में बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे है और इस प्रकार है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना होगा और जिनको आपको बताना होगा कि क्या ये चीज़ें हैं और कैसे क्या हैं। हम इन सब के विषय में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्यों हैं, ठीक है बच्चों, ताकि हम इन सब चीज़ों को आपका बहुत अच्छे से आपका जान सकें, बहुत अच्छे से हम इनको सीख सकें, बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकें। हर एक चीज की बात थी, ठीक। आगे देखिए, मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी। कैसा हो रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में जो व्यापक जन समुदाय हैं उस तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंतर बहस मुताबिक वाद विवाह संवाद की नई स्थिति बन रही थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच काफी मतमांतर नहीं पैदा किया, बल्कि इसने समुदाय को अंतर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। क्या कर दिया? पूरे भारत से जोड़ने का काम कर दिया। अब एक थोड़ा सा चीजें हैं, पहले से पढ़ेंगे, थोड़ा स्रोत हम लोग इसमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं कि उलेमा और आपके फतवा क्या होता है इसके विषय में देखें। उलेमा क्या है? इस्लाम कानून और सीरिया सरिया के विद्वान। देखिए जैसे हम बोलते हैं प्रख्यात पंडित, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में वो उलेमा जो होते हैं इस्लामी कानून के और जो उनकी सरिया है जिसके अनुसार उनका धर्म चलता है उसके विद्वान होते हैं। फतवा क्या होता है? फतवे को समझिए, आपको अक्सर अखबारों में बहस में मुद्दों में या आपको टीवी में ये चीज मिलेगी। अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैदिक घोषणाएं, क्या हैं? उनके द्वारा की जाने वाली जो वैदिक घोषणाएं हैं उन वैदिक घोषणाओं को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए किसी समय पढ़ सकते हैं इन्हें, अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर पढ़कर सुना, ये सब आप सुन चुके हैं कि क्या होता है। अब देखिए, लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर पैदा नहीं किए बल्कि इन्हें समुदाय के अंदर और विभिन्न हिस्सों में पूरे भारत में जोड़ने का भी काम किया। यानी क्यों? जितनी भी प्रिंटिंग थी ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कर रही थी? एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही थी। अब एक अखबार का स्रोत है, इस अखबार के स्रोत को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं क्या है स्रोत। अखबार क्यों? पूना के कृष्णाजी त्र्यंबकम रनाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते थे
जिसमें स्थानीय दिलचस्प की तमाम उपयोगी खबरों की जगह मिल सके। यानी कि क्या चाहते थे कि जितना भी आपकी तमाम आपकी लोकल न्यूज हो वो मिल जाए। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राग विद्यालय, सांख्यिकी जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर दक्खन पर खास जानकारी होंगी। ऐसे तमाम लोगों में मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार जन कल्याण के इच्छुक हैं। कैसा है जन कल्याण और जो इसका प्रसार है ये उसके इच्छुक हों, ऐसा उनकी एक अपनी थ्योरी थी। अब बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कॉरियर 6 जैन 1849। देसी अखबार और राजनीतिक सभाओं की वह भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के विपक्ष की थी। यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा, लोगों के हित के असक्षम हिस्से से निकाल कर सुधार करें जो उन तेजी से लोगों को काम कर रहे हैं। इन सभाओं को चाहिए कि वे खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचना जमा करें और संभव सके वांछित रहें। बताएं कि वे इन कार्यों का काफी असर होगा और कह रहे हैं कि किस तरह से उनका इम्पैक्ट है ये उनको दिखाई देगा, ये उनको समझना चाहिए। अब देखिए प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से नए तरह के लेखन की के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को दिखाने की चाह बदलती हुई, यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साहित्य विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही अपनी एक खास भारतीय सकल शैली अख्तियार कर ली। अब क्या हो गया, प्रकाशन का एक नया रूप आ गया और जिसमें क्या हो गया कि एक जो अपने खास तजुर्बे से उन सब चीजों से जो साहित्य जो आपकी विधा थी उस विधा ने क्या कर ली, अपनी एक खास शक्ल और शैली इख्तियार कर ली कि हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से अपना प्रकाशन करेंगे। इन सारी चीजों को उन्होंने अपना आपका देख लिया। अपने पाठकों को इनसे अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। अब देखिए जो उनके पाठक थे, जो उनको पढ़ते थे, उनका जो एक्सपीरियंस था संसार को लेकर, मानव को जीवन को लेकर, जो एक विविधता थी कि मतलब बहुत सारी चीजों का ज्ञान उनको प्रदान किया। विविधता मतलब होता है कि आपका दो या दो से अधिक चीजों की बारे में, तो उनको वो ज्ञान मिल रहा था। अब आप एक बुक पढ़िए, एक अखबार पढ़िए, उसमें कितनी सारी जानकारी आपको देश विदेश की घटना ये सब चीजें आपको मिलेंगी, तो वो क्या है, आपका मिसलेनियस है, आपका विविधता वाला है और उसमें आपके कई चीजें सारी आपको जानकारी मिलती है। दूसरी तरह के साहित्य विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मामले पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए थे। कोई स्टोरी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोशल आपके मामले के कोई लेख लिखे जा रहे हैं, ये सब चीज क्या थे बच्चों, आपको पता होगा ये सब क्या हो गए थे, अब एक उनका पार्ट बन गए थे, उनकी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इन्हीं सन्यासी जिंदगी के अवतरल भावनाओं और सामाजिक नियमों पर बल दिया जिनका वह स्वरूप से तय हुआ और जिसे देख रहे थे कि किस प्रकार से ये इनको देख सकते हैं, तय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनको इसमें इन्होंने देख लिया। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापने की छापानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की नकल या प्रति भी अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। अब कह रहे जो छपाई हो रही है उसकी नकल भी क्या कर सकते थे, बड़ी ही आसानी से आपका उसको हम लोग ये आपकी बनाई जा सकती थी। यानी कि ये सारी चीजें इसमें बड़ी कॉमन हो रही थी कि नकली जो बाप की चीज थी और बहुत आसान से आपका बाजार में मिलने लग गई थी। अब देखिए राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए आपकी तस्वीरें बनवाई कि आम खपत हो सके, उन्होंने क्या बनाई, आपकी तस्वीरें बनवाई। कांच की तख्ती पर चित्र उत्केरने वाले गरीब दस्तकारों को लेटर प्रेस
छापखाने के करीब अपनी दुकान लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरों और कैलेंडर खरीद कर गरीबों को अपने घर दफ्तरों में सजाते थे। इन छपी आपका तस्वीरों के आस्ते आस्ते आधुनिक परंपरा, धर्म और राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति में लोकप्रिय विचार को गढ़ना शुरू किया। अब देखिए, एक ही चित्र देखिए, आपको अद्भुत लगेगा ये चित्र। इस चित्र पर आप लोग गौर करें, इसको मैं अभी बताऊंगा। यहां पढ़ते हैं कि 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते करते कैलिएचर कार्टून छपने लग गए थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचि का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डेर खोल दिया गया। समाजवादी व्यक्तिगत चित्रों की राष्ट्रवादी का भी आपका मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी समाजवादी की सत्ता पर निशाने के पीछे रहते थे और क्या करते थे, जो आपका समाजवादी निशान है वो उसके आपके पीछे आपका बने रहे। राजा ऋतुध्वज अपने असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलस को बचाने वह राजा रवि वर्मा का चित्र। रवि वर्मा अपने मित्रकृत कहानियों को लेकर अग्नि चित्र बनाते थे जो रवि के प्रेय छापती थी। अब देखिए रवि वर्मा का चित्र बनाया है, कितना अद्भुत और ये लौकिक चित्र लग रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें दो जो आपके तीनों पात्र हैं बहुत सुंदर और लौकिक हैं। इस तरह के चित्र वो आपके बनाते थे जिससे ये सब आपके बिक सकें या ये चीजें आगे बढ़ सके, और इनको हमको देखने की आपका जरूरत है। ये क्या हो रहा है? महिलाओं का मुद्रण, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावना बड़ी सफागोई और गहनता से लिखी जाने वाली, इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से ज्यादा हो गया। बहुदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। अब देखिए, पहले स्कूल नहीं थे, अब उनको सबको औरतों को घर से बाहर भेज रहे हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल क्या हो जाने लगी। कई पत्रिकाओं ने लेखाओं ने की आपकी जगह दी, उन्हें नारी शिक्षा की जरूरतों के बारे में रेखांकित किया। मैगजीन छप रही थी तो वो वुमेन एजुकेशन के बारे में भी आपका बता रहे थे कि किस तरह से है। ठीक, अब देखिए क्या था, उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के हिसाब मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जाता था। कैसे करते थे? स्कूली शिक्षा के लिए वो आपका करते थे, लेकिन सारे परिवार उधर दिल थे। उन्हें अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। इसी तरह का दिनेशी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसानों पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कह रहे अगर रूमानी अफसाने औरतें पढ़ लेंगी तो वो क्या होंगी आपका, वो आपका बिगड़ जाएंगी, उनको ऐसा लगता था। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंध को अस्वीकार किया और हमें उत्तर भारत के दुकुनिया मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की कहानी का पता है जिसने गुपचुप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिख भी। उसने खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था, लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने का जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़ीवादी परिवार में बिहा कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छप कर पढ़ना सीखा। आप देखिए ऐसी कहानी दी है कि 19वीं सदी में बाप का पूर्वी बंगाल की एक स्टोरी है जो बहुत कट्टर परिवार था, बिहाई आपकी कन्या थी जिसने रसोई में छाप छाप कर आपका पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 प्रकाशित हुई है। बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। कौन सी थी?
आमार, आमार क्या थी? बंगाली भाषा में छपी पहली एक मतलब ऐसी संपूर्ण वो आपकी कथा थी या ऑटोबायोग्राफी थी। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भव्यों में दिलचस्पी कर दी, इसके लिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के भी कुल है तो ही था। अब कैलाश भाईनी जैसी देवी महिलाओं ने 1860 में के दशक में महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घर में बंदी और अनपढ़ बनकर रहीं, कैसे वे घर भर में काम बोझ उठाती और उसकी सेवा करती, उन्हीं से कैसे दुत्कारते। आज तो महाराष्ट्र है, वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे पंडित रामबाई के उच्च जाति की नारी का दयनीय हालत बुरे जोर शोर से रो गई। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतें के लिए पढ़ना क्या मायने था, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतारे कारणों से मेरी दुनिया छुटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशी किताबों में पढ़ने आई। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी प्रशस्तिकरण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित कभी भी संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गईं। इनमें से औरतों में तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे मसालों पर लिखनी चलाई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानी और धारावाहिक उपन्यास का आपका मनोरंजन भी आपका परोसा, यानी कि हर तरह से अलग अलग चीजें इसमें हो रही थी। और इसमें इस तरह से जो था सामाजिक प्रभाव इन्फ्लुएंस को आप लोग इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा था, या आप इसमें समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आप इसको समझिए। इंडियन सावरी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाला बेयंग कैप्चर को आप लोग एक बार आपका देख सकते हो कैसे क्या था, और आप इसको समझ सकते हो क्या आपका किस तरह से हो रहा था। आप इसको समझिए क्या थी ये सारी चीजें, आप इनको देख सकते हैं। जानी मानी शिक्षाविद और लेखन प्रेमिकाएं देखिए क्या कहती हैं इसमें बहुत सारी, इसको हम थोड़ा सा बाप का देखते हैं क्या चीज है। अब देखिए इस चित्र को, देखिए आप इस चित्र को देखकर थोड़ी सारी जो आपकी चीजें हैं आप उनको समझ सकते हैं। देखिए पंजाब में 20वीं शताब्दी के आरंभ में लोकप्रिय साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया, और राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनाने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी पेश स्थली का धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्टर सोसाइटी, खालसा पुस्तक सभा ने इस तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तकें छापी। अच्छी औरतें बनाने के उद्देश्य में कई बार संवाद के रूप में आपका पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटोरा लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन में समर्पित हो गया। यहाँ तक कि आपका धार्मिक गुट और ग्रंथों के सस्ते संस्करण खरीद सकते थे, और आमतौर पर अश्लील और संजो के जाते थे वह भी उपलब्ध नहीं था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों की कांट कुतलियां, लिथोग्राफी, रंग की मदद में प्रचार तस्वीरें उत्केरी जा रही थी। फेरी वाला बल्टोला के प्रकाशन घर घर घूमते थे, जिन्हें महिलाओं को फुर्सत के वक्त में मनपसंद किताबों को पढ़ने में सहूलियत हो गई थी कि किस तरह से लोग आपका पढ़ सकते थे और देख सकते थे, उनको समझ सकते थे कि क्या चीजें हैं और किस तरह से। अब देखिए घोर कलगी 19वीं सदी के अंत में पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना, पत्नी जैसे कि मुहावरे में कहा गया है पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर में बांध कर जानवरों की तरह देख रहा है।
पत्नी कहाँ बैठी है? सिर पर, और माँ कहाँ है? जंजीर। तो इस तरह से भी लोगों ने अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको दर्शाया है और उसको बताया है और उसको समझने की कोशिश भी की है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए प्रिंटिंग और आपका गरीबी जनता कैसे काम कर रही थी, कैसे आपके संवाद कर रही थी इस पूरे क्षेत्र में, वो आपको देखने की सुनने की वो आपको ज़रूरत होगी, काम करेगी, क्या चीज़ थी, कैसे क्या था, वो आपको पता चलेगा और वो आपको देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, और इन सब चीज़ों पर हम लोग आपकी इसमें एक एक कर आपकी बात करेंगे ताकि आप इन सबको अच्छे से आपका समझ सकें। 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिनके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीद की स्थिति में आ गई थी। 20वीं सदी के आरंभिक सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लग गए थे, जिसमें किताबों का संदेह पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या आपके कस्बों में होते थे, यदा कदा संपन्न गांव में ही थे। स्थानीय अमीर के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकाओं और निबंध लिखे जा रहे थे। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रवण ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अंबेडकर और अपनी मद्रास ईवीएफ स्वामी रामास्वामी अरेंगन ने, जो पेनियार का नाम बेहतर जानते हैं, वे जाति पर जोर पर आपकी कलम चलाई। पूरे लेखन ने भारत में बड़ा स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदाय ने भी स्थान धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए न्यायपूर्ण समाज का सपना बनाने का मुहिम पत्र पत्रिकाओं में छपवाया, कारखानों के मजदूरों की तैयार काम किया और उन्हें तजुर्बों के ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं दी। लेकिन कानपुर में मील मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे बड़े सवाल लिखकर छापकर जातीय वर्गीय रिश्तों को भेजा। कोशिश है कि 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम लिखने वाले एक और मील मजदूर की सच्ची कविता नामक संग्रह छपा और उस संग्रह को हमने बाप का देखा। बंगलोर के आपके सूती मिल मजदूरों को खुद को आपका शिक्षित करने का ख्याल पुस्तकालय से आया और उनके प्रेरणा में उन्हें बम्बई में मिल मजदूरों की शिक्षा दी गई। सामाजिक सुधारों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों को बीच आपकी नशाखोरी कम हो, साक्षरता और उनसे राष्ट्रवाद का संदेह यथार्थ रूप से आपका बढ़े। तो इन सब चीज़ों के साथ ही ये ऐसी सारी चीज़ें थी जो बाप का निरंतर बाप का बढ़ रही थी और निरंतर जो था आपको फैल रही थी, और ये सारी चीज़ें हो रही थी और किस तरह से समाज इनको बाप का देख रहा था ये आपको देखना चाहिए। बस इसका लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट में हम इसको देख लेते हैं, इस चार चैप्टर को फिनिश ही कर देते हैं। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1770 के तहत औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के जरिए ज़्यादा परेशान नहीं थी। मज़ेदार बात यह थी कि मौद्रिक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती कदम वहाँ उठाए गए और कंपनी बहुत सारे जो आपके प्रयास थे वो आपके कर रही थी और बहुत सारे प्रयासों को उसमें देख रही थी। और आपके कलकत्ता में किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस आपका प्रारंभ हुई आज़ादी के बाद, इसको भी आप बाप का देख सकते हैं। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो थी, पूरा एक दौर जो था प्रिंटिंग प्रेस का, वो आपके सामने बाप को देखने के लिए मिलेगा कि क्या बाप का दौर रहा, क्या इसमें चीज़ें थी। क्लियर है बच्चों? तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपका देख लिया और इसको पढ़ा। इससे हमें आपका बहुत हद तक बाप का छुटकारा मिला और बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें पढ़ा और इसमें देखा कि ये आपका किस प्रकार की ये सारी चीज़ें थीं और क्या इनमें जो घटना थी वो आपके कथित तौर पर हो रही थी। तो हमने इस लेक्चर के अंतर्गत जो हमारी किताब है
उसके प्रिंटिंग प्रेस का महत्व, उसका स्टार्टिंग फेज, हर धर्म में क्या महत्व बनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर एक महत्व को हमने देखा, और साक्षरता में और लोगों की जागरूकता में किस प्रकार से उसने मदद निभाई, इन सब चीज़ों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से देखा, पढ़ा और सीखा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।